नमस्कार, मैं सुमलता। आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। वाराणसी में इन दिनों कोरोना का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उथल पुथल हो चुकी है। शासन प्रशासन के लाख कोशिश और इंतजाम के बावजूद आए दिन कभी कोविड मरीज तो कभी अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को अस्पताल तक लाने में मरीजों के परिजनों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा मामला आज सामने आया है कबीर चौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय से, जहाँ पर एक व्यक्ति को अपने मरीज को ऑटो में लादकर लाना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि अपनी मामी को कबीर चौरा अस्पताल में एडमिट कराने के लिए एक व्यक्ति को टेम्पो में मरीज और ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों को लादकर लाना पड़ा है। प्रशासन ने वैसे तो जनता की हर संभव मदद के लिए कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, चाहे वो कोविड मरीजों के लिए हो या फिर एम्बुलेंस के लिए, दवा के लिए हो या फिर सौवाहिनी के लिए। पर इन मामलों को देख करके तो यही लगता है कि प्रशासन की सारी कोशिशें विफल हैं, ये सिर्फ एक दिखावा है। बता दें आपको कि बीएलडब्ल्यू निवासी शशि कुमार अपनी बीमार मामी राधा देवी को कबीर चौरा अस्पताल इलाज के लिए ऑटो से लेकर के पहुँचे हैं। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाद करके पहुँचे हैं। शशि कुमार के अनुसार इतनी मेहनत करके बीएलडब्ल्यू से यहाँ लाने पर भी मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद मरीज को किसी तरह से एडमिट किया गया है। वहीं शशि ने बताया कि उनकी मामी के फेफड़े में इन्फेक्शन है, जिससे उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने एक निजी अस्पताल से खरीदा है, उसके बाद ऑटो में मरीज और ऑक्सीजन सिलेंडर को लाद कर यहाँ कबीर चौरा अस्पताल पहुँचे हैं। अपना नाम पर्चा बताएं। मेरा नाम शशि कुमार है। शशि जी, कहाँ से आए हैं? बीएलडब्ल्यू से। ये कौन है आपके? ये हमारे मामी जी हैं। क्या हुआ मामी जी को? मामी जी को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका सांस का ग्राफ 45 से 50 गिर चुका है। ये कभी चौरा में आए, क्या डॉक्टर बोल रहे थे? डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, भर्ती लेने में काफ़ी दिक्कतें हमें महसूस हुई, जो कि सरकार का दावा है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को हर चीज़ की सुविधाएँ मिले, लेकिन ऐसी सुविधा में यहाँ देखने में काफ़ी मशक्कत के बाद तब जाकर भर्ती हुए। ऑक्सीजन ये लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे आप? तो मैं ऑक्सीजन अपने क्षेत्र से ही लेकर आया था, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे, वहाँ से मैं ऑक्सीजन उठाया था। कितने मिला था ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सर वही मिला था, करीब 4,500 मिला था। हॉस्पिटल सुविधा नहीं है क्या ऑक्सीजन का? हॉस्पिटल सुविधा नहीं है क्या? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा है सर, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो खराब है।